ओह एक्चुअली ये साल मुझे यही एक्चुअली क्या कहती हूँ सैड इसलिए लगता है कि मैं ये सारी फिल्में नहीं देख पाऊँगी काम की वजह से, लेकिन इस साल की प्रोग्रामिंग सबसे बेहतर है हमारे तीनों सालों में से। अब हम शायद मंच चुके हैं, अभी हम काम सीख चुके हैं, तो प्रोग्रामिंग बहुत ही बेहतर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉक्स रहने वाले हैं, बहुत सारे इवेंट्स रहने वाले हैं जो कि कभी इस शहर में हुए नहीं है। तो मेरी आशा ये है कि बाकी लोग इसका फ़ायदा उठाएं, क्योंकि मैं नहीं उठा पाऊँगी। पिछले साल आमिर सब भी आए थे दंगल की टीम के साथ, जी, के साथ। इस साल किस तरीके से उनका एंट्री होने वाला है? आमिर तो हमारे बड़े सपोर्टर हैं, तो और नहीं होते तो मैं खूब डंडा मारती, तो वो आएंगे ज़रूर, शायद ओपनिंग पे भी आएँ। और फिल्में हमारी फिल्म रिलीज़ हो रही है 19 तारीख को, सीक्रेट सुपरस्टार, जिसके डायरेक्टर अद्वैत यहाँ है, कब अद्वैत, तो इनकी फिल्म की वजह से हम सब इतने मसरूफ़ है कि फिल्म नहीं देख पा रहे। अद्वैत की आज़ाद ऑल द टाइम यू विद मामी ओनली किरण, ऑल द टाइम जब भी मैंने किरण को फोन किया कि किरण हैज बीन बिजी विद मामी, हाँ, एंड तो हाँ अभी इनके फिल्म का वक्त है, तो आमिर शायद ज्यादा फिल्में नहीं देख पाएंगे। आमिर साहब के लुक के बारे में हमने उनसे तो पूछ लिया, आपसे भी जानना चाहेंगे, सब इनकी बदौलत है। किरण वाज वेरी हैप्पी विद द लुक, शी सेड दैट शी वाज रियली अट्रैक्टेड टू आमिर सर एंड शी ऑलवेज वांट्स हिम टू मेंटेन दिस लुक इन लाइफ जनरली, दिस हैज बीन अ फेवरेट लुक। ओह गॉड, अद्वैत की आई थिंक एक वो जो रहता है ना 1 पॉइंट एजेंडा कि कितना इनको चीप बनाए, ये उनका मतलब किस हद तक हम ये इसको पुश कर सके, पुशिंग द एनवलप का एक नया मीनिंग हो गया है। और अद्वैत ने काफ़ी अलग लुक बनाया है, आई थिंक हम सब बहुत सालों तक याद रखेंगे। मैम मामी में दुनिया भर से मूवीज आती हैं, तो आप किस तरीके से ट्राई करेंगे कि ये और ज़्यादा पॉपुलर हो, फेस्टिवल और ज़्यादा लोग मेनस्ट्रीम लोग भी इसे देखें, जनता भी देखें? हम हमारी कोशिश तो ये रही है कि हमारी मामी की फिल्में शहर के हर कोने तक पहुँचे, और हर साल हम सिनेमाज बढ़ाते जाते हैं, इस साल हम थाने तक भी गए हैं, और स्टूडेंट्स को हमने कई वेन्यूज़ पे बिल्कुल फ्री एंट्री दिया है, ताकि वो भी आजमाएं, वो भी देखें कि किस तरह की फिल्में होती हैं मामी में। यही कोशिश रही है कि सबको बताएं कि भाई सबके लिए कुछ ना कुछ है, आप आजमा के देखिए, ट्राई करके देखिए, आइए एक आध दफ़ा, और कोशिश यही रहेगी हमारी, क्योंकि ये फेस्टिवल ही बनी है मुंबई शहर के लिए, मुंबईकर्स के लिए, फिल्म लवर्स के लिए, और हमारी कोशिश रहेगी कि उन तक पहुँचे फिल्म्स। मैम आप